भाई लैपटॉप है भाई भाई जल्दी मार ट्रैक बुलाई तेरे यार लगी उसके ओए वो वहीं पे बैठा भाई भाई साहब सामने बैठा हुआ वो तो बेहोश भी नहीं उसकी पूछ हिल रही है अभी तेरी कैसे आप सब मैं आपका भाई अलबादी और आप देख रहे हैं अलबादी व्लॉग्स। गाइस अभी सुबह का टाइम हो रहा है 7 बजे हुआ भाई अभी मेरे पास मोहित और विनीत की कॉल आई और भाई मेरी उनके फोन से यहाँ खुली अभी भाई लास्ट वीडियो में माउंटेड स्कूल में गए थे और वो स्केलेटन वगैरह दिखा था और भी मोहित और विनीत दोनों बोले कि बना था कुछ अजीब सा सपने में ऐसे स्केलेटन वगैरह दिख रहा था दोनों को सेम चीज दिखी है। तो गाइस अभी तो एक बार मार्केट साइड जा रहा हूँ इसको देख लो भाई सुबह सुबह क्यों रो रहा है क्या चाहिए तेरे को। तो गाइस विनीत के पास तो आ गया था। अरे पास क्या आ गया जिम की बोल के कहाँ शेक पिला रहा तू हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो गाइस मैं विनीत के पास गया बोल रहा कि भाई चल जिम में चलते हैं भाई मेरे को भूख लगी हुई थी तो बालाजी शेक वाले पे आगे शेक वेक पी लिया चल अब चलते हैं जिम में। आप थोड़ी करा जाएगा अब ये बाहर आएगा सीधा। तो गाइस जब पेट तो भर चुका अब जिम तो फिर कैंसिल होगी भाई आज तो 25 दिन हो गए एक बार सानू को लेने चलते हैं स्कूल में सानू का टाइम हो चुका है। ये क्या हाल बना रखा है टोपा कहाँ जा रहा है पैंट कहाँ जा रही है तो जा रहा हूँ आपको छोड़ के ये कौन है आपकी गाड़ी में तानू क्या पढ़ गया है तू स्कूल में आज पढ़ाई पढ़ गया है ये कौन सी पढ़ाई होती है मैं नहीं बताऊंगा। तो भाई सानू को तो घर पे छोड़ आए थे अभी बी एड कट और हेयर कट कराने जा रहे हैं। तो भाई अभी सलून पे जा रहे थे गाड़ी खराब होगी आग लगा दी इसमें पेट्रोल डाल के अबे साले भाई गाड़ी वाड़ी खराब हो जाए तो विनीत को कांटेक्ट कर लेना विनीत मैकेनिक है भाई जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो गाइस अभी बीएड वगैरह कट करा के आ चुके हैं और भाई फिर से गाड़ी खराब हो चुकी है नहीं हुई क्योंकि स्टार्ट होगी देखा ना ढीला है। यहाँ पे बहादुरगढ़ में भी इसे गोस्ट टाउन सिप बनी हुई ना वहाँ पे दिल्ली साइड यहाँ पे बहादुरगढ़ में एक ऐसी बिल्डिंग है अभी उसको देखने जा रहे हैं भाई आसपास बता रहे पता नहीं कौन सी साइड है। इस रोड का ऐसा सीन है यहाँ पे इतने सारे एक्सीडेंट हो रखे हैं ये देखो भाई ये गाड़ी तो अभी भी खड़ी हुई है यहाँ पे ना जैसे जो भी आता है ना गाड़ी वाड़ी में रात को एकदम से है ना उसके सामने अंधेरी आ जाती है और तभी एक्सीडेंट हो जाता है तानी क्या परछाई वरछाई देखी गई है काफी बार। तो गाइस ये देखो सारा कैसे खंडर पड़ा हुआ भाई ये अधूरा ही पड़ा हुआ है बना भी नहीं ये देखो लिफ्ट वगैरह भी सारी कैसी भाई। तो गाइस अभी थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आ रहे हैं ऊपर क्या सीन है सारा प्रोजेक्ट ऐसे ही पड़ा पड़ा खराब हो गया भाई यहाँ का। तो गाइस अभी तो यहाँ से निकलते हैं यहाँ पे कोई गार्ड वार्ड कुछ भी नहीं मिला अगर वो मिलता तो उससे स्टोरी वगैरह पूछ लेते बस इतना पता है कि भाई इस रोड पे ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं भाई जो भी गाड़ी वगैरह वाला आता है ना भाई सामने कुछ परछाई वरछाई दिखती है और भी की वजह से गाड़ी वाड़ी ठुक जाती है। सो गाइस अभी घर साइड जा रहे थे यहाँ पे एक फेमस टिक्की मिलती है भाई अभी वो ट्राई कर रहे हैं कैसी लगती है। सो गाइस हेयर कट वगैरह करा के तो आ चुके खाना पीना भी खा लिया था करा के तो आ चुके खाना पीना भी खा लिया था अभी घर पे जाके नहा धो लेते हैं। अरे तो गाइस घर आके नहाके खाना पीना खा के मैं तो रेडी हो चुका हूँ और भी अभी शाम हो चुकी है जल्दी से निकलता हूँ ये देखो भी कैसे खड़ा हुआ गेट पे। सो गाइस विनीत और मोहित को भी बिठा लिया है भाई वो टेंट वेंट उठा लाते हैं वो लेपर्ड के चक्कर में उस दिन छोड़ाए थे ना 10-12 हजार का नुकसान हो जाए काम। तो गाइस अभी टेंट तो उस दिन छोड़ाए थे भाई आज देख के आते हैं वहाँ पे मिलेगा और भाई बारिश आई थी यार गाड़ी आज घुस पाएगी कीचड़ हो गया क्या पता वहाँ पे भाई ये भी तो रिस्क है क्योंकि कल बारिश आ रखी था ना कल ही चक्कर में जंगल में नहीं गए थे और भी आज भी ये देखो भाई बारिश मौसम हो रखा है चल के देखते कितना कीचड़ है वहाँ पे जंगल में एंटर तो हो चुका है भाई कीचड़ तो स्टार्ट हो चुका है निकाल यार कहीं दस गई ना तो दिक्कत हो जाएगी तो आगे तो बढ़िया कीचड़ मिलेगा यार दस जाएगी गाड़ी ऊपर से मौसम भी बारिश का हो रहा है भाई बारिश आ गई ना बस तो यहीं पे फंसे रह जाएंगे फिर एक शुक्र तो है कहीं कहीं पे कीचड़ है कहीं कहीं पे नहीं है बीच से मिट्टी इतनी उठी हुई है अगर दूसरी गाड़ी होती ना तो भी बीच में ही फंस जाती है यहीं पे ऐसे झूल जाती है वही गाड़ी ये तो थोड़ी ऊंची गाड़ी है इसलिए इसको इतना फर्क नहीं पड़ता बस बम्पर पे और नीचे लग के रह जाती है। तो गाइस अभी नदी पे आगे रुके थे यहाँ पे तो कोई नहीं दिख रहा अभी सीधा पहाड़ी वाले रस्ते जाके देखते जहाँ पे टेंट था अपना तो सीधा चलो वहाँ से टेंट उठाते और घर साइड जाते है पिछली बार देखा था ना क्या दिक्कत करती थी। तो गाइस अभी पहाड़ी पे तो आ चुके हैं टेंट कहाँ गया भाई सामान भी तो था और अरे भाई साहब भाई यही था टेंट यार भाई यही पे आग जला रखी थी हमने यही पे तो थे हम बाकी सामान का और अपना कुछ भी नहीं है अब फिर तो। तो गाइस अभी इधर उधर आसपास देख रहे हैं भाई कहीं पे भी कुछ भी नहीं दिख रहा इतना सारा सामान गायब हुआ है ना तो वो पक्का कोई आदमी वगैरह यहाँ के आसपास के जो लोकल होंगे ना वो उठा के ले गए होंगे पक्का। तो गाइस अभी सामान वगैरह तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला अभी एक बार गुफा पे जाके देख रहे हैं ऊपर पहाड़ी से ही देखते हैं जब भी बंदूक निकाल लिया इसमें ट्रैंकुलाइजर भी डाल लिया अभी जा रहे हैं भाई और भी आज दिन में देखो भाई ये कितनी गहरी खाई है यहाँ से गिर गया था मैं ये देखो भाई इससे दिखाता हूँ ये देखो भाई
भी नहीं दिख रहा दूर दूर तक भाई। ड्रोन से चेक करना तू। ड्रोन से चेक करता हूँ भाई। भाई जब उसकी गुफा पे आए थे भाई, नीचे तो कुछ नहीं दिख रहा, ना तो लेपर्ड दिख रहा, ना तो कोई टेंट वेंट दिख रहा। सो गाइस अभी ड्रोन तो उड़ा दिया भाई, आसपास के जंगल में कहीं पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब यहाँ से गाड़ी का उठा के एक बार दूसरी गाड़ी पे चल के देखते, क्या पता वहां पे चला गया वो। भाई जब भी गाड़ी में ही जाके देख के आते हैं, जंगल की दूसरी पहाड़ी साइड जा रहे हैं। राइट वाले पे चल भाई, राइट वाले पे। बंद तो नहीं है रास्ता? बंद तो नहीं लग रहा भाई, पर पतला होता जा रहा है। देखियो जितना ऊपर चढ़ रहे हैं उतना ही पतला होता जा रहा है। तो भाई जंगल पूरा हमने एक्सप्लोर भी नहीं कर रखा, अभी पता नहीं कैसे अजीब अजीब से रास्ते आ रहे हैं। अभी पता नहीं किस पहाड़ी से उतर के आए हम। बहुत सारी पहाड़ी है भाई यहाँ पे। ये देख कैसा पेड़ है यार, ये इस पेड़ पे देखियो चिड़िया के घोंसले भाई ऐसे। हाँ चिड़िया के घोंसले होते हैं। सामने देखियो कुआ जो वीडियो में दिख रहा था भाई। सो गाइस ये देखो किसी ने छड़े लगा के रास्ता ही ब्लॉक कर रखा था भाई। अभी छड़े हटा रहा हूँ साइड में, प्रॉपर छड़े लगा रखे थे अभी रास्ते में। सो गाइस ये रास्ता पता नहीं क्यों ब्लॉक कर रखा, अभी छड़े तो हटा दिए थे रास्ते से, अभी आगे जाके देख रहे हैं। ये देखो भाई सारे ये जला रखे पेड़ यहाँ पे भाई। मेरे को तो लगता है लेपर्ड यहाँ पे भी देखा गया होगा, तभी जलाने की कोशिश की इसको। आज भी ना आ जाए इस वजह से छड़े लगा रखे हुए यहाँ पे। वो सामने पहाड़ी थी यहाँ पे चलते हैं भाई, यहाँ पे भी छड़े लगा रखे भाई, इधर रास्ता ब्लॉक कर रखा है। कांटे वाले हैं तो पंचर कर देंगे भाई। कितने बड़े बड़े छड़े लगा कर रास्ता ब्लॉक कर रखा पूरा। आ जाओ आ जा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ने कांटे डाल रखे यार यहाँ पे, गाड़ी में पंचर ना हो जाए यार, दिक्कत हो जाएगी वरना। यार गाड़ी यहीं पे लगा दे क्या? जब भी गाड़ी को बाहर ही निकाल ले, सामने पूरे कांटे का पेड़ है यार, अंदर जा ही नहीं सकती गाड़ी। कहाँ घुसा दी भाई यहाँ पे, ये देखो भाई कहाँ घुसा दी भाई, फंस जाएगी। तो भाई जब गाड़ी तो बाहर ही आया था, अभी गाड़ी तो यहीं पे लगा दिया भाई, आगे तो रास्ता ही नहीं है, उस पहाड़ी पे जाना पड़ेगा सीधा। यार पैदल जाना भी रिस्क है, क्या बताओ रास्ते में हो कहीं। मैं तभी तो गाड़ी को बिल्कुल आगे लेके जाने की बोल रहा था भाई, कांटे इतने झाड़िया ही लिए भाई। अभी कोई पक्षी पक्षी उड़ के गया होगा भाई। आजा आजा ये देख चिड़िया के घोंसले हैं, ये उड़ के गए होंगे भाई। तो गाइस अभी पहाड़ी वाले एरिया पे तो आ चुके हैं, वो ये रहा पहाड़ी के ऊपर जाने का रास्ता। तो गाइस अभी पहाड़ी के ऊपर तो आ चुके हैं भाई। तू ड्रोन उड़ा यार जल्दी, इतना खाली मैदान पड़ा हुआ भाई यार, दूर दूर तक खाली है ये देख तू। तो गाइस अभी काफी देर हो चुकी है ड्रोन उड़ाते हुए। ये देख क्या हुआ यहाँ पे, देख देख और होगा भाई। अरे घास में देखना भाई, प्रॉपर वही दिख रहा है भाई, लेपर्ड है भाई। यार घास में है भाई ये तो, भाई ये तो पता नहीं कौन सी गुफा है। तो गाइस अभी ड्रोन में देख रहे थे भाई, लेपर्ड दिख गया भाई प्रॉपर भाई, घास में बैठा हुआ है। यार गुफा में गया है, पता नहीं किस साइड पहाड़ी वाली गुफा उसमें गया है भाई। तभी ड्रोन में कैप्चर तो हो गया, पर वो गुफा के अंदर चला गया भाई साहब। मैं एक बार ड्रोन को उतार लेता हूँ, फिर एक गुफा ढूंढते हैं। एक बार आसपास देख ले, उसके कुछ दिखाई दे रहा है भाई? बिल्कुल अंधेरा है यार, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा आसपास। अरे यार लाइट मार के देखते भाई इधर उधर। भाई तभी ड्रोन तो उतार लिया भाई, उसकी लोकेशन भी पता लगी इसी साइड है भाई। फिर तो वो यार गन उठा ले भाई तू। तो भाई अभी गन तो उठा लिया, अभी आसपास देखने जा रहे। सो गाइस अभी घूमते घूमते, ओए ये कैसा एरिया आ गया भाई, अलग से कोई गुफा तो नहीं है भाई, ऐसी तो थी उसमें वीडियो में भाई। बड़ा बड़ा कुछ भाई, ध्यान से यार सीधा नीचे ना गिर जाए कोई। इधर से आ गया, ओए क्या हुआ, लाइट मारी उस साइड, आवाज सी आ रही है भाई। आगे चल के देखेंगे, अंधेरा कितना हो गया यार, वो दिखेगा भी नहीं। कितनी बड़ी बड़ी चढ़ी है यार यहाँ पे यार, इतनी देर हो गई यार ढूंढते। ओए भाई सामने आंखें चमक रही है भाई, सामने बैठा हुआ है भाई साहब। भाई जल्दी मार ट्रैंकुलर इधर यार, लगी उसके लगी भाई, लगी है भाई प्रॉपर, मैंने देखा भाई। लाइट क्यों आ गया भाई, भाई वो भाई मेरे को तो लग रहा है उसके लगी भाई गोली। ओए यहाँ पे बैठा हुआ था वो भाई, गया कहाँ पे यार वो? वो आगे गुफा का रास्ता जा रहा है भाई, वहाँ पे तो नहीं चला गया वो। ओए जरा आगे गुफा भाई, भाई ड्रोन में देखी थी वही तो गुफा है, जरा आगे चलना है क्या भाई? उसके ट्रैंकुलाइजर पक्का लगा है ना? लगा है भाई। यार भाई आगे जाने में रिस्क हो जाएगा यार, अटैक कर दिया तो। भाई सुन ट्रैंकुलाइजर का सर और 5 मिनट में हो जाएगा, अब तक तो बेहोश होना स्टार्ट हो चुका हुआ। एक काम करते हैं जल्दी से ट्रैप उठा के लाते हैं, उसके पीछे चलते हैं भाई। अभी ट्रैप भी लेके आ चुके हैं, अभी उसकी गुफा की तरफ जा रहे हैं। चलियो ध्यान से यार, घास की इतनी बड़ी बड़ी है ये भाई साहब। यार गुफा का कैसा रास्ता भाई, सही कह रहा है, नीचे तो बैठा मिल गया ना, अटैक कर देगा। जल्दी आ भाई जल्दी आ,
गाइस अभी गुफा के ऊपर आ चुके हैं। ये देखो गुफा के कितने रास्ते भाई, जो ड्रोन में देखा था भाई यहीं पे तो गया था वो इन्हीं घासों के अंदर भाई, पीछे गुफा भी तो थी। ये देखो भाई भाई प्रॉपर गुफा यार, यार वो इसके अंदर तो नहीं चला गया भाई। भाई हो सकता है यार कहीं अंदर ही जाके बेहोश हो गया वो भाई, हो सकता है। कैसे देखो भाई का सर थोड़ी देर तक तो रहेगा भाई, उसकी गुफा का तो पता चल गया, पर अंदर जाने का भाई रिस्क नहीं ले सकते भाई। भाई एकदम से होश आ गया ना, अट्रैक्ट कर गया, क्या पता वो बेहोश हुआ है या नहीं हुआ है, अगर सामने पड़ा होता तो पता भी चल जाता हमें। यार गुफा सामने यार, पर अंदर जाने का रिस्क नहीं ले सकते अभी। कुछ आवाज आई ना वहां से यार, किस साइड से आई आवाज? वो गुफा के अंदर गया था, देखा था तुमने या बाहरी है? जाता हुआ देखा था प्रॉपर। तो गाइस अभी गुफा के रास्ते पे जा रहे हैं भाई, सब कैसा अजीब सा रास्ता है। देख यार सामने गुफा ही है ना, ओए वो वहीं पे बैठा भाई, भाई साहब सामने बैठा हुआ, वो तो बेहोश भी नहीं है, उसकी पूंछ हिल रही है अभी तेरी। तू तो बोल रहा था उसने ट्रैंकुलाइजर मारा था तूने उसको, सर खत्म हो गया उसका भाई, सामने बैठा हुआ वो तो यार। इस ट्रैप का क्या करे भाई, वो तो बेहोश ही नहीं हुआ यार। भाई साहब सामने बैठा हुआ यार वो गुफा में ही यार, इसने ट्रैंकुलाइजर ही नहीं मारा उसको भाई, बैठा है तो वहीं पे मार देना। ट्रैंकुलाइजर नहीं है भाई, दोनों शॉट मार दिए थे उसी टाइम पे। अरे यार बाकी गाड़ी में रखे थे यार गाड़ी, भाई जल्दी ऊपर चल तू। गाइस अभी उसकी प्रॉपर गुफा आगे आगे देख के आए थे भाई साहब, पूछ ली थी मतलब वो बेहोश नहीं हुआ था भाई। तूने जो भी शॉट्स लिए थे ना वो लगे भी नहीं थे उसको, आवाज की वजह से भाग गया होगा यार वो। लाइट इतनी कम थी भाई, दिखा भी नहीं, वो प्रॉपर बैठा वहाँ पे। इसने जब उसका ट्रैंकुलाइजर मारा उसके लगा था भाई वो, अगर भाई लगता तो बेहोश नहीं हो जाता यार। भाई क्या पता उसका असर खत्म हो गया हो। छोटे से रास्ते से निकल के भी गाड़ी के पास तो आ चुके हैं, सही हुआ वो पीछे नहीं आया भाई। मेरे को लग रहा था उसके थोड़ा थोड़ा असर था भाई ट्रैंकुलाइजर का। भाई मेरे को नहीं लगता उसके लगा भी है, सही बताऊं तो नहीं भाई लगा होगा, इनमें इतनी फुर्ती होती है भाई, जैसे हम ऊपर थे ना वो एकदम बाहर आ सकता था यार। ये तो है कि जैसे तूने चलाई थी ना वैसे भाग तो गया था वो भाई। गुफा ढूंढने में भी तो हमें कितना टाइम लग गया था भाई, अभी जंगल से निकल के तो जा रहे हैं। ये सामने वाले रास्ते पे छड़े किसने लगा दिए दोबारा से यार? ये छड़े कौन लगा गया भाई, अभी तो हटाए थे, रास्ता बंद कर दिया गया भाई, रास्ता बंद कर दिया, सामने छड़े लगा दिए यार। तू भी जाके हटवा देता यार, थोड़ी जल्दी हो जाता, चला के ले ले हो गया भाई। सब कैसा रास्ता यार ये, आगे कहीं पे ना लगा दियो दोबारा से भाई। सो गाइस जंगल से निकल के रोड पे तो आ चुके हैं, और गाइस वहां से निकल के आ रहे थे ना, ये देखो भाई हाथ पे क्या लग गया, ये सारा हाथ लाल हो रखा और यहाँ से सूज गया ये देखो। पर कीड़ा वीड़ा तो नहीं लड़ गया है भाई? पता नहीं यार, ये देखियो प्रॉपर लाल हो गया, सारा सूज गया, और ये देखियो यहाँ पे ये निशान हो रखा टाइप हो गया भाई। डॉक्टर के चलना है, क्या पता भाई ये पूरा लाल हो जाए थोड़ी देर में। तो गाइस इतना रिस्की हो गया था, एक तो वहाँ पे नीचे उतर गए, और भाई इसमें हाथ में दर्द हो रहा है यार, कुछ लड़ाई है यार यहाँ पे। मैं तभी कह रहा हूँ तू डॉक्टर के चल ले भाई, बेफालतू में इन्फेक्शन फैल जाएगा। तूने भी देखा था ना उसके लगा था भाई, उसके लगा था मेरे को लग रहा है उसको ना ज्यादा डोज का चाहिए भाई, हैवी डोज का चाहिए भाई, तभी उस पर असर करेगा। थोड़ी देर के लिए बेहोश हुआ था वो, फिर उसके बाद चला गया भाई वहाँ पे, क्योंकि यार हमें 15-20 क्यों बैठता, अगर उसको पता है कि गोली चली हो तो हमारे ऊपर अटैक नहीं कर देता। बात तो ठीक बोल रहा है तू, अगर नहीं लगता तो वो उस चीज से बचने के बाद तो हम पे पक्का अटैक कर देता। और गाइस उसकी गुफा का तो पता चल गया भाई, गुफा में जाके देखा ना हमें तो लगा कि बेहोश हो रखा हुआ, पर भाई वहाँ पे गए तो उसकी पूछ हिल रही थी, मतलब वो बेहोश नहीं हो रखा था। हम तो ट्रैप लेके सीधे भागे जा रहे थे भाई उसकी गुफा के अंदर। ये देखना उसकी गुफा में घुस जाते और तब दिखता कि उसको असर नहीं हो रखा सीन, तो तब होता भाई अटैक ही कर देता भाई वो तो सीधा तब। भाई अगर आज उसको ट्रैंकुलाइजर का पूरा असर हो रखा होता ना, आज तो वो पकड़ा ही जाता भाई। अगली बार है ना हैवी डोज वाला लेके आएंगे और उससे अटैक करेंगे भाई। अभी उसकी गुफा का तो पता चल चुका है, अभी एक बार इसको डॉक्टर के दिखा लेते हैं भाई, ये सूजन ज्यादा बढ़ रही है देखो भाई। सो गाइस उन दोनों को तो छोड़ के आ चुका, अभी मैं भी घर साइड जा रहा हूँ, अभी डॉक्टर के दिखा लिया था, डॉक्टर ने हाथ के लिए एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगा दिया, अभी रेडनेस कम हो चुकी है। सो गाइस घर तो आ गया था, खाना पीना भी मैंने खा लिया, और भाई डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया तो काफी ज्यादा नींद आ रही है, और भी हाथ में भी काफी ज्यादा पेन हो रहा है, देखते सुबह तक ठीक होता है नहीं। इस वीडियो को एंड कर देते, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तुम्हारे भाई का चैनल है अलबादी का। तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।